करो शुरू। आप सभी को प्यार भरी राम राम सत श्री अकाल। राग रागनी संगम इन एसोसिएशन विद रियल बाबा वॉइस यूट्यूब चैनल। आज हमारे बीच मेरे पिता तुल्य श्री सुरेश कुमार जी, संचालक रियल बाबा वॉइस यूट्यूब चैनल। नमस्कार। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे चर्चा करना मेरे हिसाब से आज नितांत आवश्यक है। आज भारत राष्ट्र आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इसके लिए सबसे पहले समस्त राष्ट्र को हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा संदेश के साथ शुरू करेंगे अपनी चर्चा। आप क्या संदेश देना चाह रहे हो अपने श्रोताओं को? भाइयों, राष्ट्र का जब नाम आता है तो राष्ट्र सेवा का भी आता है। राष्ट्र सेवा परमो धर्म, और राष्ट्र सेवा हम अपनी ड्यूटी, जिस भी रूप में हमारी ड्यूटी है, उसको ईमानदारी से निभाएं। ये हमारी सबसे बड़ा संदेश है भाई, और इससे बड़ा संदेश हो भी क्या सकता है मेरी नज़रों में। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ हर एक एम्प्लॉय को सबसे पहला जो संदेश, भाई कोई भी नया बंदा आया है उसका एक इंडक्शन प्रोग्राम चलाया है कंपनी ने, जिसमें वो कंपनी के बारे में जान ले कि कंपनी क्या है, क्या करती है, कैसे क्या कुछ कार्य करना है। समझाना पड़े कोई भी बंदा आवे तो। सारा ये इंडक्शन प्रोग्राम करने के बाद जब उसकी जानकारी होगी कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ और यहाँ मेरा क्या कार्यभार है, उसके बाद मैं हमेशा जो भी नया बंदा आया है उसको एक ही संदेश दिया करूँ जी, भाई कंपनी की इज्जत ना करो, कोई बाध्य नहीं करता इसके लिए, लेकिन अपना काम ईमानदारी से कर लीजिए। बिल्कुल सर, अब बात पॉइंट पर आ जाओ। बोल सर। पॉइंट ये है जी, कुछ भ्रांतियाँ हमारे समाज में ऐसी हमारे ऊपर थोपी गई कि कालांतर में चलते चलते ना वो भ्रांति का रूप था पहले तो, और वो एक व्यवस्था बन गई, रीत बन गई हमारी। समाज ने उसको ऐसे स्वीकार लिया कि भाई ये तो कभी से ही चली आ रही है और इसमें कोई हेरफेर नहीं है। तो कुछ बातें हैं, हो सकता है कुछ लोगों का थोड़ी चुभ हैं, लेकिन हम उस चीज़ के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हैं। जो यथार्थ है वो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। शास्त्रोक्त जो होगा, जितनी जानकारी हमारी है वो आज आपके समक्ष रखने का हम प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता हमने प्राप्त कर ली भारत राष्ट्र की 15 अगस्त 1947 को। आज 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन कुछ रूढ़िवादिता आज भी समाज को जकड़े हुए हैं। वो मतलब एक ऐसी प्रतंत्रता है जिससे अगर हम मुक्त नहीं होंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे, तो कभी विश्व गुरु बनने का जो सपना है भारत का दोबारा, वो हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आप सवाल आपके, जवाब हमारे, जितनी मेरी बुद्धि है मैं पूरा प्रयास देखो, करूंगा। सवाल जवाब की कहोगे तो आप घर जाओगे कोर्ट साहब। एक ही प्रश्न ऐसा है जिसका आपके पास जवाब नहीं है। मैं देख हाथ पे लिख रहा हूँ, खबर देखू था मैं। जालौर में राजस्थान में इंद्र कुमार नाम का लड़का था, 8 साल का, और तीसरी कक्षा में पढ़ता था। उस टीचर ने क्या किया, उसने वो किस वर्ण से था, उसने मटकी अलग रखी थी और उसमें पानी पी लिया बच्चा ने। वर्ण नहीं जाती। आप अपनी वर्डिंग में कुछ भी कहो, मन मेरी बात कहने दो, आप उसने कुछ भी कहो, तो उस वो बच्चा उसने ऐसा, वो मैं टीवी देख रहा था, उसमें आ रही थी, इतना पीटा कि वो बच्चा मर गया। यहाँ लग गया भाई, यहाँ ये व्यवस्था कहाँ से चली, क्यों चली, आज ये बंधन क्यों नहीं टूटते, ये मेरा प्रश्न है। वहीं पे आ रहे हैं, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। आज समाज जो फॉलो कर रहा है, काफ़ी समय से फॉलो करता चला रहा है, वो है जाति व्यवस्था। कुम्हार का बेटा कुम्हार, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण। ज़्यादा जाति सूचक शब्द यूज़ करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, आप समझ सकते हैं। ये व्यवस्था
हमारे ऊपर थोपी गई है जी, हमारी है नहीं। हमारी जो शास्त्रोक्त नीति है वो ये है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र, ये हमारे समाज के चार मूल आधार हैं, मूल वर्ण हैं। नीम टेक दी, नीव नहीं टेकी, ऊपर मेल बन गया और के फर्क है। उदाहरण आप मतलब लोवत लाग रहे हो लेकिन वह बात पूरी को ना उतर दिया है, इसको ऐसे समझ सकते हैं भाई साहब। दो विचारधाराएं हैं, मेरा छोटा भाई है, दिगर का टुकड़ा है, पर ये दो विचारधाराएं हैं, ध्यान से आप इनको परखना। मैं काम बोल रहा हूँ, ये काम बोल रहा है, और घुमा फिरा कर किसी बात की मैं अड़लाव हूँ तो फीलिंग लेना, और ये अड़लाव है तो फीलिंग लेना जी। नहीं, घुमा फिरा कर क्या बात करनी है जी, जो यथार्थ है वो प्रस्तुत करना है। मेरी तो आज से नहीं, जब से मतलब शोध आई है ना सही रूप में, तब से मैं बड़ा घृणित समझूं खुद को कि हम कौन थे और आज हम क्या हैं। ये ठीक है, हमारी जो व्यवस्था है जी शास्त्रोक्त वो है वर्ण व्यवस्था, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण हैं। इसमें कोई तो बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है। जिसने जैसा कर्म करया वो उसका वर्ण हो गया, लेकिन वो ठप्पा नहीं लगे उसके बाद उसके। आज हम जो कर रहे हैं वो उसका वर्ण हो गया उसके हिसाब से, उस कर्म के आधार पर। लेकिन कल को अगर वो अपना कर्म बदले है तो उसका वर्ण भी बदला गया। लेकिन समाज क्या फॉलो कर रहा है वही बात, कुमार का बेटा कुमार, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ये धारणा गलत है। ये आपने अपनी विचार बताए ना, धारणा गलत है और समाज में क्या है वो और बता दो। देखो, समाज का पक्षधर मैं नहीं हूँ, पक्षधर नहीं हो, सच्चाई बताओ। सच्चाई ही तो बता रहा हूँ। आप पक्षधर ना बनो, आप समाज में रह रहे हो, ये भाई भी रह रहे हैं, मैं भी रह रहा हूँ समाज में। हम जब छोटे छोटे थे, अब तो थोड़ा थोड़ा बदलने लग गया भाई, कदीब की बात इस पर भी आऊंगे जी थोड़ा, लेकिन वो समाज में के है, समाज में क्या वर्ण जंप करने की व्यवस्था है या नहीं है। मैं अभी आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारा समाज जो आज बटा हुआ है ना, वो वर्ण के आधार पर नहीं, वो जातिगत आधार पे है। और ये जाति शब्द जो है ना, मेरा चैलेंज है आपको भी और आपके दर्शकों को भी, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वहाँ से एक ग्रंथ के अंदर से भी कहीं से भी आप इसकी रेफरेंस लाकर दे दो, मैं अपनी सारी संपत्ति उस भाई के नाम कर दूंगा। ग्रंथों में वर्ण है, वर्ण है, वर्ण है, वर्ण के आधार पे। वर्ण क्या, क्या वर्ण में जंप करने की व्यवस्था थी, थी क्या है उसमें, तो अगर कोई मानना तो। लेकिन समस्या तो ये गड़बड़ कहाँ से हुई, आप इतिहास के जानकार। मैं गड़बड़ बता रहा हूँ आपको, पहले एक बार इसको समझ लो कि ये वर्ण व्यवस्था है क्या। वर्ण व्यवस्था के अनुसार आज कोई सफाई कर्मचारी है, वो सेवा कर रहा है समाज की, उसका वर्ण वर्ण व्यवस्था के अनुसार से वो शूद्र हो गया। शूद्र का मतलब छोटा नहीं है, इसका उदाहरण हम अपने शरीर से ले सकते हैं। हमारा ये शरीर है वो चारों वर्णों का चित्रण है, यूं का यूं। या आपने बनाई बड़ान बनाई, या बात मन बे रखे को गे, हाँ, या ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, हाँ। ये कहोगे ना, ये किसने बताई यह बात, पाछे चलती आवा है, मनु के टाइम तह के बीच में बढ़िया। ये आप जब शास्त्र उठाएंगे, हाँ, वहाँ ये सारी चीज आपको उदाहरण के तौर पर सारी समझाई गई है कि इसका यहाँ से हम उदाहरण ले सकते हैं। और वही कोई खास बड़ी बात नहीं है, संस्कृत जो हमारी आदि भाषा है, प्राकृत भाषा है, देव भाषा है, हमारे जो ग्रंथ हैं आदि ग्रंथ वो तो उस भाषा में है, लेकिन अनुवाद, सही अनुवाद हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, और जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं भारत की हैं, चलो आप सब में है, शास्त्र में के डेफिनेशन लिखे वो बताइए। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ, वो बताइए। अब हमारे शरीर से अगर उसका उदाहरण ले लिया जाए, क्या सही है क्या गलत है, आज मैंने क्या करना है, मैंने सोनीपत जाना है, मैं वाया गुवाणा होते हुए जाऊंगा रोहतक से, या वाया भटगाम होते हुए जाऊंगा, ये डिसाइड करेगा। ठीक है भाई, मैंने वहाँ से जाना है, दो काम और भी है रास्ते में निपटाता हुआ, मैं भट ये अपना बालोट की साइड से निकल जाऊँ। ठीक, आपके हिसाब से स्टार्टिंग बिल्कुल सही थी,
थोड़ा थोड़ा अगर सरको उस पॉइंट पर आ जाओ जहां से ये जड़ और जकड़ता बन देने लगी, थोड़ी भूमिका तो बदल दो इस चीज की, एक बार समझा तो नहीं इस चीज को। ये यहाँ ब्राह्मण बैठा जी सबके, उसने गाइड कराया ये है ये है ये है, उस हिसाब से उसने अपना काम डिसाइड कर लिया। ये क्षत्रिय बैठा है जी, ये रक्षा करते हैं आपके, कोई मारेगा हाथ आगे आ जाएगा, किसी अगर मारेंगे तो भी आते ही मारेंगे, ठीक है जी बात। ये जो है ये हिस्सा हाथ से नीचे, ये वैश्य आ गया, और जो हमारे पैर हैं वो शूद्र मान सकते हैं, लेकिन अब यहाँ ये देखो शरीर का कोई भी अंग लाचार हो जाए, खराब हो जाए, कट जाए, क्या वो शरीर परिपूर्ण माना जाएगा? नो। ऐसे ही हमारा समाज भी खंडित हो रहा है जी। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी समाज के अंदर, शास्त्रोक्त बात है ये, जिसको देख के जो विदेशी आक्रांता जितने आए उन्होंने इस समाज को तोड़ने की बहुतायत कोशिश करी, बहुत घने लोग मारे गए हैं जिन्होंने बलिदान दिया है हमारा जो सनातन धर्म है इसको बचाने के लिए, बलिदानी हो गए वो, लेकिन उन्होंने मतांतरण नहीं कराया। एक लोग ने कहा भाई धर्मांतरण, धर्म इस सृष्टि पे मात्र एक है जो कि है सनातन, सनातन की कुछ शाखाएं बाद में निकल गई कालांतर में, सिख समाज आ गया, जैन समाज, सनातन मानव धर्म कह दूं, बिल्कुल है, आठ लाख है, बिल्कुल है, शब्द के तो नहीं पकड़ोगे शब्द ने तो, ना मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है भाई, ये परिचायक है, मैं बदलूं, ये हाँ ये बिल्कुल पर्यायवाची शब्द है, जैन आगे, बौद्ध आगे, बौद्ध ये अपना सिख आगे, आज इनको भी समाज ने पता ना कब धर्म का रूप दे दिया। यू जैन धर्म का अनुयायी है, यू सिख धर्म का अनुयायी है। श्री गुरु नानक देव जी ने सिखी शुरू करी। सिख शब्द का अर्थ क्या है? जो सीख रहा है वो सिख है। आप भी गुरु का सिख हो, मैं भी गुरु का सिख हूँ। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जो दशमेश पिता हुए हैं उन्होंने खालसा पंथ बनाया। आज्ञा भई अकाल की तब चलायो पंथ, और सब सिंह गण नो हुकम है गुरु मानियो ग्रंथ। सार यही है जो हमारे शास्त्रों और वेदांत दर्शन में है, सार उसमें भी वही है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। वर्ण व्यवस्था पे आते हैं जी। एक कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण के छह कर्म हैं, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, ये ब्राह्मण के कर्म हैं। तथागत थे वो लोग जिनको हम ब्राह्मण बोल सकते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ, इस समाज को कैसा भी लगे समझ सकते हैं इस चीज़ से। मेरा जन्म एक ब्राह्मण का है, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ मैं, लेकिन जीविका कमाने के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ कहीं पे, ये सेवा है। मेरा जो वर्ण है वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र है, और इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता जी। ये चारों वर्ण मिलकर एक समाज, संगठित समाज तैयार होता है जिसमें सारी चीजें वैसे ही चलती रहेंगी, कोई छोटा ना बड़ा। नहीं आपने छह क्रम बता दिए, सुनो छह क्रम बता दिए, सुनो तो अब उसमें ज्यादा विस्तार में मत जाओ, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, इसको शॉर्ट में लो। नहीं शॉर्ट का मतलब तो ये हो गया मैं सुनी जाऊं। नहीं 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 वो नहीं कर रहा जी, मैं आपके प्रश्न लूंगा फिर मेरी बात तो पूरी हो। प्रश्न कट्ठे को नहीं ना, मेरा पॉइंट पे है, पॉइंट सुन तो लो एक बार, पहले एक आप अपनी बात कह लियो ना, मैंने एक पॉइंट तो कहने दो, सुनो तो ये मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं फिर आप उसमें से निकाल लियो। कै सेकंड की है ये? आज कोई ब्राह्मण है जी वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो ये छह कर्म कर रहे हैं, उसके घर में उदाहरण के रूप में कोई ऐसा पुत्र या पुत्री पैदा हो जो शास्त्र छोड़ शस्त्र उठा ले, हालांकि वो विद्या भी शास्त्र से ही निकली है, लेकिन उसका कर्म क्या होगा? उसने शस्त्र उठा लिए समाज की राष्ट्र की रक्षा के लिए, वो क्षत्रिय हो गया, उसका वर्ण क्षत्रिय हो गया, अब वो ब्राह्मण नहीं है, अब उसका लड़का जो है लड़की है वो क्षत्रिय है। उसी परिवार में कोई ऐसा सदस्य पैदा हो जो व्यापार कर रहे हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं या और कोई किसी टाइप का व्यापार है, वो वैश्य हो गया। उसी परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो जो नौकरी कर रहा है कहीं पे, सेवा कर रहा है, वो शूद्र हो गए।
इसमें कोई छोटा ना बड़ा, कल को उन बच्चों में से जिसने शस्त्र उठा लिए थे अगर वो व्यापार करना शुरू कर दे, फिर उसका वर्ण क्या हो जाएगा? वो वैसे हो गया, वो जंप करने वाली बात हो, जंप आ गया, आ गया। ठीक है, ये थी जी हमारी व्यवस्था। हमारे ऊपर आज से नहीं, बहुत सालों से, कोई हजारों सालों से अतिक्रमण होते चले आए हैं और अनेक प्रताड़ना, बहुत सारे बलिदानी झेल के और अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उन्होंने ये अपनी परंपरा जो थी ना वो नहीं छोड़ी। आखिर में हार के जब ये हो गया ना कि भई ये तो किसी भी प्रकार से टूट ही नहीं रही, उनको तोड़ने के लिए एक व्यवस्था और उनके द्वारा गढ़ी गई जिसमें कुम्हार का बेटा कुम्हार, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, भाई अब से ये व्यवस्था चलेगी। ये एक एक्सपेरिमेंट था, एक राज्य में हो गया, भारत रजवाड़ों में बटा हुआ था, एक राज्य में हो गया। दूसरे राज्य में जब उस चीज़ की खबर गई तो यही चीज़ सेम वहीं पे इम्प्लीमेंट होगी, और करते 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 ये आज पूरा जो भारत राष्ट्र है वो इसकी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। सुनो भाई, विदेशियों पर ब्लेम लगा रहे हैं गोडसा, उन्होंने व्यवस्था को बिगाड़ा। मैं ये कहता हूँ यदि सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती है तो समाज का सबसे ऊपरला वर्ग ही उसको बिगाड़ता है। मैं उदाहरण देता हूँ, कोई राजा है, राजा ने सबकी तनख्वाह बांधनी है तो अपनी पहले अपनी तनख्वाह बढ़िया बांधेगा, अपनी तनख्वाह अपनी पेंशन बढ़िया बांधेगा, दूसरे की सी बांधेगा कि भाई तू भाज गया, फौज दब घोड़ा हो गया तो तेरी पेंशन नहीं, फलाना नहीं। उसमें इतना लचीलापन और कितना गैप, अपने आप को सेफ रख के ऐसी व्यवस्था करेगा। दूसरा प्रश्न गौड़ साहब ध्यान से सुनना, ब्राह्मण के छह क्रम बताए। सबसे पहला क्रम ज्ञान लेना, ज्ञान देना, ज्ञान लेना और ज्ञान देना। ज्ञान उससे दो रहे, वो ही लेगा वो ही देगा, नहीं कोई भी कर सकता नहीं काम। दो एक क्षत्रिय है फौज में भर्ती, क्या उसके पास ज्ञान नहीं है? दूसरा क्रम आ जाओ, दूसरा क्रम सुनो, दूसरा हाँ दूसरा। मैं तो ये कहता हूँ 24 घंटे में नहीं, ये एक शरीर है, आपका शरीर है, आप अकेले लड़ते गुस्सा उठ जाता है या फिर अपनी आवाज उठाते हो तो आप क्षत्रिय हो। आप बाहर स्कूल में जाकर बालका ने पढ़ाओ उस टाइम आप ब्राह्मण हो, ठीक है। आप जब सेवा करते हो किसी की तो आप शूद्र हो। ये हर इंसान के अंदर हर पल लगी हुई चीजें हैं, चारों वर्ण हमारे यहाँ साथ हैं शरीर में, साथ हैं 24 घंटे साथ हैं। बिल्कुल, क्या वो ब्राह्मण ही ज्ञान बटेगा? वो दान ले वगैरह देगा? कौन से ब्राह्मण ने शूद्र को दान दिया है? ले भाई मैं दान दू हूँ, आज तक दिया हो तो बता, ले ले लिया, दे दिया है क्या किसी ने? ऐसा उदाहरण दीजिए, मुझे उदाहरण चाहिए। उदाहरण मेरी बात सुनो ना ध्यान से, ये मैं आपको और पीछे लेकर चलूंगा जब हमारी गुरुकुल परंपरा हुआ करती। आप तो इसको वहां ले जाएगा जिस टाइम सही थी, मैं आज की बात कर रहा हूँ। तो मैं आज समाज का मैं ठेका थोड़ा ले सकता हूँ? आप ठेका नहीं ले रही, न्यू तो बताओ, पंडित लक्ष्मीचंद जी ने कही है भाई, गो ब्राह्मण साधु की सेवा सब दखनंद हो जाएगी। वो ब्राह्मण जाति का ब्राह्मण है या ज्ञान का ब्राह्मण है, ये क्लियर करके चलो। जो सांगी गांव है ना, वो क्लियर करो ये ब्राह्मण कौन है। बिल्कुल ठीक है, वही तो क्लियर कर रहे हैं। क्या वो उस लफ्ज का क्लियर होना चाहिए ना? होना चाहिए, आप स्वीकार करो ना। बिल्कुल स्वीकार करता हूं भाई साहब, स्वीकार करें भाई। मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ जिस चीज़ को, मैंने तो अपना एग्जांपल दे दिया भाई। मैं एक ब्राह्मण के घर मेरा जन्म है, ब्राह्मण कुल में जन्म है, लेकिन वर्ण से मैं शूद्र हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ किसी की, इसमें सारी ये बात आ गई मेरे हिसाब से। आ तो गई। एक बच्चा, ये नाम लिख रहा था मैंने पहले भी, जालोर जिले महेंद्र कुमार में, अभी अभी खबर आ रही थी, 8 साल का बच्चा 3री क्लास में पढ़ता है, वो उसका टीचर बच्चे ने पढ़ा हुआ है, फोटो पिक्चर भी थी भाई, फिल्म भी थी उसके, वो क्या बोलते हैं, और उस बच्चे ने उस मटकी का हाथ ला दिया और इतना पीटा कि वो मर गया, वो दम तोड़ गया। ये व्यवस्था है, ये उदाहरण दिया मैंने, ये व्यवस्था कहाँ से चली और किसने चलाई और किसने स्वीकार करा और किसने इनकार करा? अभी तो मैं बता रहा था ना आपको, सबसे पहले ये व्यवस्था चली थी जी गोवा, आप घूम के आए होंगे, बहुत सारे लोग जो दर्शक हैं, दो डिवीजन में डिवाइड कर रखे है वो, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। साउथ गोवा में आज भी अगर आप जाके देखोगे तो जो पुर्तगाली थे, डच थे, उनकी जो उन्होंने वहाँ पे इमारतें बनाई, मतलब बहुत आज भी उसका
इफेक्ट आपको दिखाई देगा। बहुत सारे जो पुराने मकान हैं वो आज भी उसी विधि से बने हुए हैं जैसे पुर्तगाल के अंदर और डच के डच लैंड के अंदर बने हुए हैं, आज भी वो प्रभाव उनका दिखाई देता है। उन्होंने जब साउथ गोवा को जीत लिया, और मजे की बात ये है कि हमारी जो सनातन परंपरा है ना, वैदिक वेदांत परंपरा है, इसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट था, सबसे ज़्यादा जो दिखाई दिया करती, ये कोस्टल एरिया में ज़्यादा दिखाई दिया करती, समुद्री इलाकों में ज़्यादा थी वहाँ पर। और वहाँ जब उन्होंने यूँ देख लिया ना कि भाई इनका मतांतरण नहीं हो रहा, मैं धर्मांतरण शब्द यूज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि धर्म मात्र ही संस्कृति इस पृथ्वी के ऊपर एक है जो कि सनातन, ये मतांतरण जो नहीं हो रहा, मानवता नहीं कर पा रहे हैं ये। आप सनातन कहो, मैं मानवता धर्म, मानव धर्म ही है वो। हाँ। मानव धर्म ही है, फिर शब्द एक आदि मेरा वाला भी ले दो। लो जी, मानव धर्म है जी, वो उसको नहीं त्याग रहे थे। तो उन्होंने क्या कराया, बड़े सारे लोगों को वहाँ इकट्ठा हो जाइयो भाई मनादी करवा दी, और फलाने ने भाई न्यूर्नू कराया, इसने न्यूर्नू कराया है, वो फांसी तोड़ दिया, कोई तड़पा तड़पा कर मार दिया, लेकिन उन्होंने अपनी जो है ये सनातन वैदिक परंपरा को नहीं छोड़ा। जब उन्होंने ये देख लिया कि जी ये तो नहीं टूट रही, तब उन्होंने ये जातिगत आधार पर इसको बांटना शुरू करा था कि भाई आज से ये व्यवस्था है। वहाँ से एक्सपेरिमेंट उनका पास हो गया, कुछ भी डी जब निकल गई थी तो उनके माइंड में ये घर कर गई भाई मारते या सदाते चली आ रही है 3-4 पीढ़ी। गॉड साहब आपकी बात स्वीकार है, मैं मानता हूँ भाई। अब मैं आपकी बात पे उस पर आ रहा हूँ जो आप ये बता रहे हो राजस्थान की घटना। मैं ये जितनी इसकी निंदा करी जाए वो कम है, उस आदमी को फांसी, फांसी आदमी की निंदा नहीं करवा रहा मैं, आदमी को तो फांसी तोड़ाया जाएगा कि मैं तो होगा सजा कोर्ट कुछ भी करो, बट व्यवस्था क्या है, ये व्यवस्था कहाँ से आई, मैं उस बात वो तो एग्जाम्पल था, व्यवस्था कहाँ से चली या गलत है कि नहीं है, व्यवस्था की बात है इसकी। तो मैं पहले ही खंडन कर रहा हूँ, बैठते ही मैंने ये बोला था जातिगत आधार पर, तो जो और ये आपके गांव में भी है और मेरे गांव में भी है, हर जगह है, ठीक है ना, पूरे भारत में है, कहाँ नहीं है, सोचो नहीं है, पूरे भारत में है भाई साहब। वर्ण व्यवस्था जो थी वो सुधीर भाई साहब कह रहे हैं मैंने स्वीकार कर लिया, मैं एक पब्लिक हूँ, मैं आपका नुमाइंदा हूँ, मैं समाज का सेवक हूँ छोटा, मैंने स्वीकार कर लिया है, वो ठीक चली थी, मनु महाराज के समय से आगे चल के वो बिगड़ी गई, ये बात ये है ना जी। ये तो अभी बिगड़ी है जी, जब ये आक्रांत आए हैं। हाँ हाँ, और वो इतनी बिगड़ गई, जंप करने की व्यवस्था नहीं थी, शूद्र का बच्चा अक्षत्रिय वाले काम नहीं कर सकता था, अक्षत्रिय वाला बच्चा ब्राह्मण वाले काम नहीं कर सकता था, तो जो व्यवस्था बिगड़ी गई, जंप करने की व्यवस्था नहीं थी, वर्ग व्यवस्था विदेशों में थी, वर्ग व्यवस्था बिल्कुल सही होती है, कोई किसी जाति में पैदा हो जाता है अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपनी कला से, वो जंप कर सकता था, वो इतना विद्वान हो सकता था जिसको ब्राह्मण की श्रेणी में लाया जाए। अब मुझे एक ही बात बता दो, सारी बात का एक सार है, क्या कबीर दास जी आपकी डिक्शनरी में ब्राह्मण है? संत कहा जा सकता है जी। अच्छा, तो ब्राह्मण की डेफिनेशन बता दो। ब्राह्मण का बताया तो भी छह कर्म है। हाँ। अच्छा, छह कर्म है, उसके समकालीन का बता दो, जो कराया कर देर वो ना कराया था, ये चर्चा तलक तलक को नहीं लाया उसने बस। मैं वो नहीं कराया जी। हाँ। मेरे लिए वो उतने ही आदरणीय हैं जितना मैं आदि गुरु शंकराचार्य को मान रहा हूँ, समझ रहे हो, इसमें कोई छोटे बड़े वाली बात नहीं। तो फिर मैंने एक एग्जांपल ऐसा दे दे कि दान देना ब्राह्मण का कर्म है, ब्राह्मण ने उड़े उस जगह शूद्र की धर्मशाला में या शूद्र के लिए या शूद्र को गरीब लाचार मान के दान करया। आप अभी भी गलत परिवेश में लेकर जा रहे हो इस चर्चा को, मैं आपको वहां लेकर जा रहा हूँ, मैंने बैठते ही यह कहा था कि हम कौन थे और आज हम क्या कहाँ पहुंच गए, समझ रहे हो, आप वहां चलो जहां हमारी गुरुकुल व्यवस्था थी, गुरु को। अब आप ये मत कहो कि मैं पीछे लेके जा रहा हूँ, मैं बात उसी समय की, उसने शॉर्ट आप कह लो अर्ली अवार्ड लिया बिगड़ गई, आप कह लो 2-4 मिनट कह लो अवार्ड लिया कि व्यवस्था बिगड़ गई, क्यों आज के परिवेश में हम जी रहे हैं, हमने तो ये इसको उजागर करना है, क्या हो रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ जी, जातिगत आधार पर जो हम आज समाज बटा हुआ है हमारा भारत राष्ट्र का विशेष रूप से, वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए भाई, इसके बंधन से मुक्त हो जाओ, मैं तो यही बोल रहा हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहे हैं, तो ये जो बेड़ियाँ हैं ना, आज आपने एक बीच में एक बात और भी बोली थी, हालांकि आज ये चीज़ कम हो गई है, अनजाने में हुई है, क्या था मैं बताता हूँ आपको, मेरे अपने गांव के अंदर जो मेरे खुद की देखी हुई चीज़ है, बचपन से ले गए और यहाँ तक आ लिए, मैंने खूब देखा, वो कुएँ थे, ये वाल्मीकियाँ कहा भाई,
और ये ब्राह्मणा का है। उड़े अगर कोई चरमकार आ गया, कुम्हार आ गया, या कोई वाल्मीकि समाज का आदमी आ गया और उड़ बैठ कर दूर तने को गया पानी पे ये री, क्या मजाल उसका उस बाल्टी का हाथ लग गया न्यू दूर ते घर आ जाते आड़ी वो छुड़वा दिया करते ना जो घर में बर्तन न्यारे होया करते, फलाने चाह पियोगा हाँ दादी ला लिया कप ठाले अपना कप, ये क्या था अपना कप धोकर लियागा और चाह पीकर धोकर उल्टा ही रखा उड़े, उनके बर्तन भी न्यारे थे, ये क्या था। ये इसका यूं था जी, धीरे धीरे जब देश प्रतंत्र होता चला गया ना ये हमारा सारा, विदेशी आक्रांताओं ने सब कुछ तो लूट लिया और शिक्षा का जो अधिकार था वो भी हमसे छीन लिया गया। शिक्षा मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारी जो वैदिक परंपरा की शिक्षा है, अंग्रेजों ने जो हमारे ऊपर 200 साल तथा कथित राज कराया, इसमें हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था ना वो ये था कि भाई भारतीयों को भले ही वो PhD कर जावे लेकिन शिक्षा उसको वही दो कि वो एक कलम घिसने वाला कलर की बने, बस वो एक अधिकारी नहीं बन सकता। और बहुत बड़ा वर्ग, मेरे दादाजी उनके पिताजी, बहुत कम आदमी ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, नहीं तो सारे गुठा टेक हुआ करते उस समय के पाली आड़ी, उनसे वो सारे अधिकार छीन लिए गए। धीरे धीरे वो रूढ़िवादिता जो थी ना वो इतनी बढ़ती चली गई कि भाई एक समाज के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है जिसका मैं पूर्ण रूप से खंडन कर रहा हूँ, और कुछ व्यक्ति आज भी उस विचारधारा के हैं, हमें आज उनसे मुक्ति, उन विचारों से मुक्ति लेनी पड़ेगी जी, अदरवाइज और हमारे पास कोई सोल्यूशन है नहीं। जो सांगी और भजनी और कवि लोग होते हैं वो समाज को एक दिशा दिखाते हैं, ये सत्य है ना? बिल्कुल। इनका किस दिशा में रुख रहा, क्या उस जकड़ता को यूं का यूं बनाए रखने में रहा या उनको तोड़ने में रहा? इनके लबज जब उठा आने इन घाक रखे हैं भाई, घाक रखे हैं, उन उड़े उड़े न्यू को नहीं कही के व्यवस्था गलत है, सबके में बना दिया, सबके में बना के घेर दिया, सारी माँ बेटे की रागनी बना दी, भाई भाई की बना दी, देशभक्ति की बना दी, इस पर क्यों नहीं बोले? मीराबाई का सांग बना दिया, मीराबाई की प्रताड़ना जो उसका भोजराज कभी ही गई थी, राणा सांगा का लड़का था भोजराज, और वो गुजर गया, वह विधवा होगी, उसे कहीं भी जाने से अछूत माना जाता था, ये लिखित है, प्रमाण है इस चीज़ का, इसे मानता हूँ मैं शास्त्र, जो लिखित मिल जाए तुम्हें नेट पे मिलेगा, किताब में मिलेगा। और भाई जैसे विधवा से एक साइड में जागरण थाली सरका दी, रोटी खा ले, ये मनुष्य है या नहीं, वो प्रताड़ना वो क्यों नहीं गाई? इनका रोल कहाँ है, कहाँ है ये, कहाँ सोए? देखो स्टोरी किसी ने कह दिया, स्टोरी आपके पास आई है, किसी ने तो लिखी है, उस चीज़ का खंडन नहीं कराया। हो सकता है कुछ मानसिक दबाव उनके ऊपर होगा, अगर भाई ये चीज़ यहाँ गलत है, उन्होंने बस वो रूपरेखा उसकी आपके सामने रख दी कि ये चीज़ थी जी, अब आपने क्या समझा है, शेष समाज ने क्या समझा है, वो उनके ऊपर छोड़ दिया उन्होंने, टोटली उनके जो लिसनर्स हैं उनके ऊपर रहेगी वह बात। मैं औरत पे आ जा, समाज व्यवस्था बोली औरत पे, शुद्र सेवा कराया करें थे, बढ़िया खेती कैरी, छतरी रक्षा कराया करें थे, या ब्राह्मण वेदा चारी, लक्ष्मी चंद गणे फंड चाल गए, अक्कल न्यारी न्यारी, और धर्म सनातन भूल गए, फिर दुनिया मारी मारी, ठीक है। गौ ब्राह्मण सद तीन वर्णों से पूजे जाया करते, तीन ने पूजे जा, चौथा के और क्यों नहीं पूजे जाएंगे? गौ ब्राह्मण सद तीन वर्णों से पूजे जाया करते, जो अक्षत्रिय देश की सेवा करे वो पूजनीय क्यों नहीं? क्यों जो नहीं? आज गांव का गोर स्टेचू लगा दे भाई शहीद हो गया, उसके माथा टेक है सर, उस टाइम नहीं था। मेरी बात सुने आप, मेरे गुरुकुल वाली बात को पूरी नहीं होने दे रहे, मैं क्या कहना चाह रहे थे वहां पर, गुरुकुल के अंदर कोई भी लड़का या लड़की प्रवेश लिया है वो वहां से पूर्ण पुरुष पूर्ण नारी बनकर निकला करते। गुरुकुल के अंदर क्या पढ़ाया जाया करता, आपसे पूछ रहा हूं मैं, आपकी जानकारी में क्या पढ़ाया जाया करता? की पढ़ाया जाता, ज्ञान दिया दे, ज्ञान क्या के, क्या ज्ञान दिया करते यो ये जो ये विद्या है और के दिया दे। आज जो हमारी व्यवस्था है ना शिक्षा की, हालांकि अब तो वर्तमान जो केंद्र सरकार है वो साधुवाद का पात्र है, जिसने एक तो भारतीय शिक्षा बोर्ड जिसमें हमारे गुरुकुल आ रहे हैं सारे, ये पहले क्या कराया करते, अड्डा सड्डा करके कोई CBSE से एफिलेटेड था, कोई ICSE से एफिलेटेड था,
कोई ओपन स्कूल से एफिलेटेड था वहाँ से एग्जाम करवाया करते, इनके पास राइट्स नहीं थे अपना खुद का। आज भारतीय शिक्षा बोर्ड को मान्यता दी है और बड़े सारे स्कूल विदेशों में भी हैं गुरुकुल जो, वो भी इससे सुनो तो मेरी बात, वहाँ से वो पूर्ण पुरुष और पूर्ण नारी बनकर निकला करते जी गुरुकुल में, जहाँ पे उनको समाज शास्त्र न्याय शास्त्र जितने भी हमारे छह शास्त्र हैं ये, समाज शास्त्र हालांकि वो एक अलग प्रसंग है, ये शास्त्रों का पार्ट नहीं है ये, लेकिन उनमें से निकला हुआ एक उपशास्त्र बोल सकते हैं, ये सारी शिक्षाएं उनको दिया जाए, अपना अक्षत्रिय शिक्षा जो है शास्त्रों की शिक्षा ये दी जाया करती। हरेक विद्यार्थी उस समय संगीतज्ञ हुआ करता। आज मैं इस चीज का भी खंडन करना चाह रहा हूँ भाई, बड़े सारे गायक कलाकार हर बहुत अच्छे हैं, बहुत सुरीले भी हैं, बहुत बढ़िया गाँव है, कोई ना शरण अपना काम है वीडियो के संग यहां ना 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 जो कहनी है वाकई मैं कहना वही तो कहना चाह रहा हूँ भाई, किसे पे अगर न्यू पूछ लिया जाना सरगम सुनाइए, सारे गा मा पा धा नी, ये सात सुरों का संगम है और कोई बड़ी बात भी नहीं है, हर एक आदमी अपने घर पर कर सकता है, ये आपके चित्त बुद्धि को ठिकाने भी रखेगी, उसको शांत भी रखेगी और आपका वोकल कोड है ये भी शुद्ध रहेगा, इसको लेके बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर कोई करना चाहो तो सिर्फ इनका भी अगर अभ्यास कर रहे हैं जिसको हम रियाज बोल रहे हैं आज की भाषा में, अगर ये कर ले ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन आज के जो संगीतकार हैं गायक कलाकार हैं मंच पर खड़े होकर बहुत अच्छी प्रस्तुति दे दी, दस भैया ने सराह दिया, न्यू कहेंगे बनाइए रहा चौथे पत है, न्यू पूछ लेना कौन सा सुर लाया भाई इसमें कोने मेरा, और वो कलाकार सराय भी जाए। चलो उस गुरुकुल में संगीत शिक्षा भी थी, सारे था जी उसमें, वहां से पूर्ण पुरुष और पूर्ण नारी बनकर निकला करते, ठीक है। अब वहां से निकलने के बाद किसने क्या काम करना शुरू कराया वो उसका वर्णन हो गया। वहां से अगर निकलने के बाद कोई भी बच्चा या बच्ची है उसने अगर शास्त्र उठा के आगे ज्ञान देने का काम शुरू करा तो वो ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मणी हो गया, हो गया ना। हाँ, कोई स्कूल में जितने टीचर हम पढ़ाए हैं ब्राह्मण की श्रेणी में ना? नहीं जी, और ब्राह्मण की श्रेणी में कौन है? मैंने एक आदमी ने बता दिया अपना आस पास, आपा 150 आदमी है दोनों जाना है कि वो ब्राह्मण है। देखो आज अपने आप को ब्राह्मण से इनकार करके, हाँ, मेरे को करके, मैं एक टीचर हूँ भाई, मेरे को भी करके, चलो इसकी मर्जी, ज्ञान देना लेना और दान करना दान। मैं अगर आपकी श्रेणी में दिया जाए तो छह कर्म मेरे पास है, मेरे दारू का उस चीज का लवालेश भी कोनी, गीता पाठ डेली होता है, हवन होता है डेली, मैं ब्राह्मण है क्यों नहीं? ब्राह्मण कौन है मुझे बता दे जाए, एक आदमी है तो दिखाया जाए ये ब्राह्मण है भाई, इसके कर्म देख ले। देखो कल रात जो हमारी चर्चा हो रही थी ना, मैं एक बार वो सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ बुझो, इसका बिल्कुल बिना लाग लपेट के उत्तर दियो। लाग लपेट तो दोहरे को नहीं से देर भाई, इसका आपको भरोसा होगा ना। एक आदमी है कदे स्कूल में नहीं गया, उदाहरण है जी, मैं वहां से हट नहीं रहा हूँ सिर्फ उदाहरण के लिए, शास्त्र की बुझे है। एक आदमी कदे स्कूल में नहीं गया, गुठा टेक कति, और वो बाहर खड़ा होगा स्कूल के पाठ्यक्रम पर विचार कर रहे हैं अगर भाई गलत पढ़ाया जा रहा है या ठीक पढ़ाया जा रहा है, क्या कहोगे उसको? क्या कहना चाह रहा है? नहीं, मैं कहना कुछ नहीं चाह रहा भाई, दूसरा उदाहरण इसको ऐसे समझो, एक आदमी कभी आपसे मिला नहीं, जाने नहीं कदे आपको, देखा नहीं आपको, और आपके बारे में धारणा बना रहा है वो, क्या बोलोगे उसको? ऐसे है सुधीर भाई, घनी बारीकी में बोल जाम और आपने एक्सेप्ट करो ना करो, ये दर्शक जरूर करेंगे। एक शब्द शकल और किताब सबसे अलग एक चीज है यहाँ बैठी आत्मा जो फीलिंग लेती है। एक आदमी मन कदे देखा नहीं सुनया नहीं, सामने से दो आदमी चले आओ हैं अनजान, एक तो बहुत अच्छा लग गया जिन्होंने छाती का ला ले भाई बना ले, और एक ऐसा लग गया है कि आ किसा गया, वो क्या है वो फीलिंग क्या है? उनसे कभी बात नहीं हुई, कभी मिले नहीं, अरे ऐसा होता है अक्सर, मेरे साथ होता है भाई, सबके साथ होता है। ये बैठा है, ये शास्त्र यहाँ है, ये शास्त्र है, वो शास्त्र बोलता है, जिसको शास्त्र कहते हैं, ये शास्त्र नहीं है। आप मन छह शास्त्रों के नाम बताओ, शास्त्र छह है ना? मैं तो इसने शास्त्र मानू, आप बताओगे? नहीं, आप पक्षधर हो। मैं जस्ट आपसे ये पूछ रहा हूँ, उन छह शास्त्रों का नाम बताओ जिनको आप ये बोल रहे हो कि भाई मैं तो इसको शास्त्र मान रहा हूँ। मन्नत आत्मा को शास्त्र मान लिया, छह तो आपने बाहर काट के छह बना दिए उसके, आप बताइए छह कौन से? नीतिगत आधार पे ये कोई क्लास नहीं चल रही है जी, जस्ट एक ओपन संवाद जिसको बोला ना, वो चल रहा है हमारा भाई, बड़े प्यार से। ये हमारा छोटा भाई है,
यो पहले मैंने कहा था माड़ा सह सहज बोलिए, पर भाई कोई ना आदत की बात है, माफ करना। माफी तो मैं मांग लूंगा। देखो ऐसा है जी, अवधारणाएं बनाना, किसी को जाना नहीं, पहचाना नहीं, कदे देखा नहीं, उसको गलत बोला जाएगा। कोई आदमी स्कूल में नहीं, पाछे कभी नहन रहा और बाहर खड़ा होगा, वो बुराई कर रहा है उस चीज़ की। मैं जस्ट इतना कह रहा हूँ कि भाई पहले एक बार उसके अंदर से निकल कर देख लो। मैं इसका जवाब आपकी भाषा में देता हूँ भाई साहब। अवधारणा बनाई नहीं जाती, बन जाती है और सामने वाला बनवाता है। ठीक है, अब एक आदमी बार 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 नुकेगा यो पेन मेरा है, यो पेन मेरा है, ब्लैक कलर वाला मेरा है, बार बार कहेगा, तो फिर मैं क्या कहूँगा, हाँ भाई तेरा है, यो जो लाल पेन है ना, यो जो लाल पेन है यो मेरा है। दो बातें आपस में, एक जब अपने पक्ष को मजबूती से रखता है और बार बार रखता है, तो दूसरा अपना पक्ष रखता है। एक आदमी जब बार बार नू कहे किसी भी बात को खड़ा होकर नू कहे शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, शास्त्रा का बेरा ही नहीं, उसने बेरा ना, उसने बेरा ना, आपने बेरा ना। आप सुनने वाले को कह रहा हूँ कितने शास्त्र पढ़े हैं आपने, और फिर भी हमारे में 10 आदमी नू कह दिया शास्त्र के अनुसार, तो हमने ये कह दिया भाई ये सारे शास्त्र झूठे। कहते कहो ना क्यों कही यह बात शास्त्र के अनुसार, सारे शास्त्र पढ़े हैं क्या आपने, वो कहने का हकदार है, मन में गुड़ छटवाना है तो पहले छोड़ूंगा मैं, वो कहने का हकदार है ये बात, जिसने शास्त्र जो है पढ़े हैं A to Z उस उनकी बारीकियां का पता, आपने पता है तो आपका धन्यवाद। मैं तो भी पक्ष में आपने खड़ा कर लिया, अपने आप कर लिया, बार बार कोई बात आ जाए शास्त्र के अनुसार। गुरुकुल में पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं होता, पूर्ण ज्ञान शब्द कहाँ से आया, ये पूर्ण ज्ञान गोड साहब मुझे बताइए, पूर्ण की पूर्ण पुरुष और पूर्ण नारी, ठीक है, एक आदर्श समर्थ पुरुष, समर्थ नारी, पढ़े लिखे पुरुष, पढ़े लिखे नारी, सारे शब्द हैं, पर ये शब्दों का जाल है। पूर्ण पूर्ण पुरुष, पूर्ण पूर्ण तो भगवान ने कहा, मैं भी को नहीं और ऊपर भी कोई है। ऐसा है जी, मेरा वो मतलब नहीं था, एक जिसको पूर्ण का मतलब हम ये यहाँ समझ सकते हैं, आदर्श पुरुष और आदर्श नारी। हाँ ठीक है, बात आगे लेन पर, नहीं लेन पर नहीं, मैं उसी बात, ये पूर्ण को हटाना पड़ेगा, मैं हटवाऊंगा, आदर्श पुरुष आदर्श नारी एक ही बात के पर्याय हैं जी। नहीं है, नहीं 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 नहीं, पूर्ण का मैं मीनिंग है, और भाई साहब आप डिसीजन लेना, आप फैसला करना, आई भी बैठ रहे हमारा छोटा भाई, पूर्ण मैं अड़े रहूंगा जी वहाँ पे, पूर्ण और आदर्श इनमें फर्क नहीं होता। कमाल है, अब शब्दों के जाल में घुसोगे तो यूं तो जी हजारों ऐसी चीज है जो आज हमारे समाज में फैली हुई है और वो फिर लोग मान के भी चल रहे हैं, उससे ना शास्त्र मानोगे। मैं तो देखो इस चीज का, देखो जी आज जो बैठे हैं, चर्चा का जो ध्येय था ना वो ये था कि समाज जो जातिगत आधार पर बटा हुआ है ना, ये हमारी व्यवस्था नहीं है, नहीं कहीं किसी भी रूप में नहीं है। जो इसको मान रहा है वो मूर्ख है। और मैं तो एक चीज़ और भी बोल रहा हूँ आज आपके माध्यम से यहाँ पर, एक विशेष वर्ग के ऊपर जो इतनी प्रताड़ना झेली है, अत्याचार हुए हैं, आज उसका परिणाम पता क्या है, ईसाई मिशनरी और बड़े सारे जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, पहले वो खुद मतांतरित हो गए और आज वो उन लोगों को ये पिक्चर दिखा के, देखो सारे बुजुर्गों के साथ ही ने क्या करा, देखो सारे बुजुर्गों के साथ ही ने क्या करा, ये आज भी आपको अपने साथ नहीं बैठा रहे हैं, आप इनके हो ही नहीं, आप हमारे साथ आओ, वो उनका मतांतरण करवा रहे हैं, करवा रहे हैं। मैं मान गया सनातन परंपरा के लोग जो हैं वो टूटते चले जा रहे हैं डे बाई डे। ईसाई मिशनरी ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, वो आ तो गया जी, वो प्रताड़ना के शिकार थे भाई, उन्हें जंप करना था कि तेरा ना पाया, ऊपरला वर्ग स्वीकार नहीं करता, नहीं कर रहा, साइड में खिसक गए, नहीं कर रहा बिल्कुल, साइड में खिसक गए, उनका दोष के हैं, दोष उनका नहीं है। मैं यही आपको कहना चाह रहा था, मेरी बात तो पूरी होने दिया करो। मैं आज आपके माध्यम से उनसे भी क्षमा याचना कर रहा हूँ कि भाई ये जो है ये गलत है और समाज को इसको समझने की जरूरत है ना, तो अकेला मैं कुछ कर सकता ना, अकेले आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है, ये समाज जब एकजुट होगा तब जाके हमें इसका परिणाम मिलेगा। मूल को नहीं जावा गोड साहब, आप उनके साथ होका पिए, आपका मतलब आपका वर्ग, और उनने अपने दफ्तर में उनके बच्चे को नौकरी दिए, उन्हें सम्मान दिए, जहाँ सम्मान मिलेगा आदमी जाओगा, जाएगा। मैं उनका पक्षधर हूँ, मैं एक धर्म और जाति की बात नहीं कर रहा, एक आदमी कहीं प्रताड़ित है साइड में किसके जाओगा, उसने तो जहाँ जगह मिलेगी वो पहुंचेगा जी,
अगले ने अपना काम भी तो देखना है। अच्छा नारी पा जाओ ना, लंबी डिबेट हो जा कर, लंबी तो कर दिया आपने। तो इसको तो आज यहीं समेटो, ठीक है जी। तो बस इतना ही था कि ये जो नारी पे नहीं बोलोगे, जातियों की बेड़ियां है ना, मेरा दर्द नुकान हुआ, नारी पे नहीं बोलोगे, ये किसी और दिन ले लो जी, ये और दिन नहीं आ रहा, ये भी शब्दों का जाल है। एक घंटा ला दिया, 10 मिनट नहीं ला सकते भाई साहब, ये आप दोबारा कहेगा तो ये दोषी है, मैं नहीं हूँ। आप कैमरे के सामने हो। तो आज का तो जो ये विषय है ना जी, मेरे हिसाब से इतना जितना हमारी बुद्धि में था वो प्रकाशित करने का हमने प्रयास करा है। दोनों की चर्चा हुई है, दो विचारधारा टकराई हैं, और इसका मूल क्या है और क्या इसका आउटकम होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, वो आपके मन और मस्तिष्क के ऊपर है जी। आप क्या समझते हो, क्या आप इससे सीख लेते हो, बस इतना ही बोल के आज़ादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की पुनः आप सबको विशेष शुभकामनाएं। भाइयों आपकी तरफ से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं भाई साहब से, अगली डिबेट में मुझे इनके मुख से ब्राह्मण की और पतिव्रता की डेफिनेशन चाहिए, किसे कहते हैं सर, कहीं से भी ढूंढ के लाइयो, मैं बताइयो। मैं जी काफ़ी समय पहले ना आपसे चर्चा हुई थी मेरी, एक आपका पीछे नाटक भी आया था, उस नाटक में एक जेठानी अपनी दुरानी को दुखी कर रही है जिसका भाई नहीं है, और वो रक्षाबंधन के ऊपर आपने बहुत अच्छा चित्रण उसका कराया कि भाई समाज में ये चीज गलत है। वो राज हरियाणवी स्टूडियो, सुनो सुनो, उस पर मैं लगा, इन भाइयों ने बता दिया, कदे देखना चाहूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, राज हरियाणवी स्टूडियो, उसका वीडियो का लिंक भी उसमें मिल जाएगा भाई। बहुत अच्छा कार्य आपने कराया है, आप तो एक नेचुरल बोर्न स्टार हो, इसमें कोई दोराय नहीं है। मैं आप तो शायद इस चीज को ना मानू, लेकिन मैं कह दूं मुंह की बड़ाई कराए। ना 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 ना, ये मेरे मन के भाव हैं, आपको फीलिंग के साथ समझो इस चीज को। जैसा आप बोलिया करो, तो ये बहुत अच्छा काम आपने उसमें कराया। एक बात का मेरा विरोध है, आपने तरारे बस कही या जैसे भी कहा, बिड़दे सुनियो भाई, एक बार देखियो उसको, बिड़दे क्या कहा उसमें, जब उस चोरी के सर पर हाथ धरिया आखिर में, सब शास्त्र झूठे भाई। वहाँ एक जेठानी अपनी दुरानी को, एक बाण अपनी बाण को दुखी कर रही है, वहाँ कहाँ से शास्त्र आ गए? वो एक सामाजिक कुरीति है जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रहा है, ये शास्त्र नहीं है, ये उसका अपनी सोच विचार है, उन्होंने क्या समझा है, क्या शिक्षा ली है, वो उनके ऊपर है, ठीक है जी। तो आपका जो ये सवाल था आखिरी कि भाई नारी के विषय में रो रही, मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूँ जी, ब्राह्मण कौन और पतिव्रता कौन, डेफिनेशन के साथ, मैं गलत नहीं ठहरा रहा किसी को, मैं आपके माध्यम से यहाँ इस वीडियो के माध्यम से एक और प्रॉमिस कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रयास काफ़ी समय से मैं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसी परमात्मा की दया से, मैं तो क्या है, मतलब हम तो एक निमित्त मात्र हैं, जो आज यहाँ बैठे हैं वो भी शायद परमात्मा ही करवा रहे हैं, कोई पूर्वाग्रह हैं हमारे जो इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो एक ऐसी सीरीज परमात्मा की इच्छा से, जब भी वो उनका आशीर्वचन प्राप्त होगा, आरंभ करेंगे, जिसमें मूल तो रामायण, मूल महाभारत और यथारूप श्रीमद् भगवद गीता का सरल भाषा में, जिसको कोई भी व्यक्ति समझ सकता है एक बार सुनेगा तो, एक ऐसी सीरीज लेकर चलेंगे, मूल महाभारत और मूल रामायण और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उन पे जितना मैक्सिमम हो सके चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ताकि उसका यथारूप प्रस्तुत किया जा सके, ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों का मतलब कहाँ से उठा के लाओगे? देखो हमारे शास्त्र जो है ना वो दो वर्गीकरण में है, शास्त्र में है रामायण महाभारत, नहीं वो महाकाव्य है, लोग मिक्स करते हैं, महाकाव्य है ना, शास्त्र में तो नहीं, यहाँ शास्त्र तो नहीं हटते, रामायण में महाभारत में भाइयों जितनी गड़ंग है ना इतनी कितने नहीं। सुनो सुनो सुनो, ये आपका विचार है जी, ये इनका विचार है जी, हाँ मेरा, हाँ ये इसको सच मानने की भी जरूरत नहीं है, आप अपना मत रखिए इसमें, हाँ, जो आपको ठीक लगे। हाँ। क्या बोल रहा था, मेरे दिमाग से लिखट गया, आप न्यू बीच में मेरी बात काट ना करो, फिर अच्छा। मेरा विचार लिखट जाए। चलो ठीक है, शास्त्र के अनुसार पेश करोगे उसमें? ना 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 ना, जो भी ग्रंथ हैं रामायण महाभारत जो हमारे महाकाव्य हैं, छः के छः शास्त्र हैं, और जितना भी मैक्सिमम ज्ञान हम जुटा पाओगे वो आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। एक बार एक छोटा सा लाइव कराया था मैंने, उसमें भी कहा था, लेकिन बड़े सारे कम लोगों ने रुचि दिखाई, तो फिर मेरा भी हल्का सा मन हट गया, मन मतलब और दूसरी जगह पर अपने विचार रख लिए थे, लेकिन आज
एक ये मेरा प्रॉमिस है जी, ये बड़ी जल्द लेके आऊंगे, और ये मेरी भी काफ़ी समय से इच्छा है ये करने का। जरूर सहयोग कराएंगे परमात्मा, जब भी आशीर्वचन प्राप्त करेंगे परमात्मा का, ये करेंगे हम इसमें। क्या है कि बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं इसको लेकर भी, यथारूप इसका जो शास्त्र जो है ना, मैं वो मेरी बात याद आ गई, दो वर्गीकरण है इसके, एक श्रुति है एक स्मृति है, सबने सुना है मनुस्मृति, भृगु संहिता, और एक है श्रुति। जैसे मैं संगीत का विद्यार्थी हूँ, मैं उसके आधार पर अगर आपको बताऊँ, संगीत में सा से लेके सा तक ये सात सुरों का सा रे गा मा पा धा नी ये वर्गीकरण कर रखे हैं, ये है श्रुति के आधार पर। आप जो साउदर्न इंडिया है हमारा, मलयाली हैं, कन्नड़ भाषी हैं, तमिल भाषी हैं, वहाँ जाओगे वहाँ भी आपको यही मिलेगा। भारत में आप कश्मीर जाकर देखोगे वहाँ भी आपको यही मिलेगा, पूर्वोत्तर भारत में जाओगे वहाँ भी यही मिलेगा, ठीक है। और जो स्मृतियाँ हैं वो हैं जी, आपने कोई श्रीमद् भगवद गीता की या किसी और ग्रंथ की व्याख्या कर दी, वो आपकी स्मृति है, वो उसका यथारूप नहीं है। नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। यथारूप तो कितने भी कोनी यथारूप है ना, किच है, हमारे ग्रंथ तो यथारूप में है आज भी, जो श्रुति के आधार पर हैं। आज एक गुरुजी के पास है वो ग्रंथ, किसने लिखे थे, वहाँ कमाल कर, देखो ये तो आप चर्चा को बढ़ाने का वो विषय, आप कह ला रहे हैं, आपकी वर्डिंग है ये कि भाई किसी ने उसको लिख दिया, हमारा जो किसी ने लिख दिया, हमारा जो आज का देह था ना, वो सिर्फ इतना था कि देखो एक बात में कई बात नहीं कहा करते, उसमें फायदा नहीं होता, खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए। हमारा जो आज का देह था वो ये है कि भाई समाज जो एक बार फिर से जातिगत आधार पर बटा हुआ है, उस पर चर्चा हमने करी है, या तो उससे बंधन वो तोड़ के वो बंधन, वहाँ से स्वतंत्रता और प्राप्त करने की आवश्यकता है, ताकि हम भारत को एक बार फिर से विश्वगुरु बना सकें। और इतना ही बोल के एक बार फिर से जी आप सब, नहीं आप नारी पर बोले नहीं, आप नारी पर बोले नहीं, इस शास्त्र पर आपने 20 मिनट और ला दी, मैं 5 मिनट नारी पर लगवाना चाहूँगा, आप क्यों लगाते, मुझे जवाब दीजिए कैमरे के सामने। तो इतना ही बोल के जी ये चर्चा को संपन्न करेंगे आज। आशान्वित है कि आपको ये पसंद आया होगा ये संवाद हमारा, और आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की, आज़ादी के अमृत महोत्सव की विशेष शुभकामनाएं। राम राम, सत श्री अकाल, धन्यवाद।